जगत के फैंस इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। अभी आईपीएल का इस साल खेला गया सीजन खत्म हुए करीब करीब 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर से 2023 में होने वाले आईपीएल का इंतजार करने लग गए हैं। दोस्तों, आपको भी अगले सत्र का खूब इंतजार हो रहा होगा। अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट को अभी तो 6 महीनों का वक्त बचा हुआ है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और खास वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको आज बताएंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग के अभी तक खेले गए 15 सीजन के ऑरेंज कैप होल्डर कौन बने। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए 2022 से 2008 तक किन किन बल्लेबाजों के सिर पर सजा ऑरेंज कैप का ताज। तो सबसे पहले हैं आईपीएल 2022 के जोस बटलर 863 रन के साथ। इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर आईपीएल में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। इन्होंने पिछले कुछ सीजन से तो काफी खतरनाक बल्लेबाजी की है। 2022 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के इस स्टार खिलाड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए पूरे सीजन में 863 रन का पहाड़ खड़ा किया। वो अपने इस प्रदर्शन के बूते पर ऑरेंज कैप होल्डर बने। आईपीएल 2021 के हैं ऋतुराज गायकवाड़ 635 रन के साथ। भारत के युवा टैलेंटेड क्रिकेट ऋतुराज गायकवाड़ के क्या कहने, इन्हें मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2021 का आईपीएल खेलने का चांस मिला तो उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा डाला। गायकवाड़ ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 635 रन बनाकर मोस्ट रन गेटर का अवार्ड पाने में सफल रहे। आईपीएल 2020 के ऑरेंज कैप होल्डर हैं केएल राहुल 670 रन के साथ। भारत के स्टाइलिश बल्लेबाज केएल राहुल का पिछले कुछ सीजन में जो प्रदर्शन देखने को मिला है वो अपने आप में ही बेहद खास है। राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा प्रभाव 2020 के सीजन में डाला था, जब उन्होंने पंजाब किंग्स की जर्सी में रनों का अंबार लगा दिया था। उन्होंने इस एडिशन में 670 रन बनाए। वो सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ ही ऑरेंज कैप होल्डर भी बने। इसके बाद है आईपीएल 2019 से डेविड वॉर्नर 692 रन के साथ। आईपीएल में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों में डेविड वॉर्नर का नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता है। ये ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज आईपीएल में खूब जलवा दिखाता रहा है, जिन्होंने 2018 के बॉल टेपरिंग कांड में बैन झेलने के बाद 2019 के सीजन में 692 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर बनकर वापसी की थी। इसके बाद है आईपीएल 2018 के केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कैप्टन केन विलियमसन का इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जवाब नहीं रहा है, उसी तरह से वो आईपीएल के मंच पर भी खूब छाए रहे हैं। उन्होंने इस लीग में वैसे तो काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन सबसे कमाल का सीजन तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 2018 का रहा था। उन्होंने उसी दौरान 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप को अपने सिर पर सजाया था। आईपीएल 2017 से रहे हैं डेविड वॉर्नर। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में अपना जबरदस्त जौहर दिखाया था। वो इस इंडियन प्रीमियर लीग में काफी निरंतर प्रदर्शन करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2017 के सीजन में भी फॉर्म को जारी रखा और वहां पर वो सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने इस सीजन में 641 रन बनाकर ऑरेंज कैप को अपने कब्जे में ले लिया था। आईपीएल 2016 से हैं विराट कोहली 973 रन के साथ। जी हाँ, आईपीएल के इतिहास में 2016 का सीजन एक ऐसा सीजन रहा जहां कभी नहीं देखा गया था। इस सीजन में विश्व क्रिकेट ने रन मशीन विराट कोहली का आईपीएल में एक अलग ही नायाब रंग देखा था। इस सीजन को कोहली का बल्ला मानो कुछ अलग ही करने को था, जहां उन्होंने रिकॉर्ड 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप के सरताज बने थे। आईपीएल 2015 से रहे हैं डेविड वॉर्नर। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का इंटरनेशनल क्रिकेट में खास रुतबा है, उसी तरह का रुतबा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म पर दिखाया है। वो आईपीएल के 2015 के सीजन में काफी खतरनाक दिखाई दिए थे। उन्होंने यहां इस सीजन में सबसे ज्यादा 562 रन बनाए, जिसके कारण उन्हें ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया। इसके बाद आता है आईपीएल 2014, जिसमें ऑरेंज कैप होल्डर बने रॉबिन उथप्पा।
भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए तो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन आईपीएल में वो लंबे समय से खेल रहे हैं। उन्होंने कई टीमों की तरफ से खेला है, जिसमें उन्होंने 2014 में केकेआर के लिए खेलते हुए तूफानी फॉर्म दिखाई थी, जहां वो 660 रन बनाकर ऑरेंज कैप को अपने नाम कर ले गए थे। इसके बाद आते हैं आईपीएल 2013 का नंबर, और 2013 में ऑरेंज कैप होल्डर बने थे माइक हसी। जी हाँ, मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी भी एक बड़े बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं। माइक हसी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े मैच विनर की भूमिका भी अदा की। उसी तरह से ही वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी बड़े बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने साल 2013 के आईपीएल सीजन में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 733 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद है आईपीएल 2012, जिसमें क्रिस गेल ने झटका था ऑरेंज कैप का अवार्ड। वेस्टइंडीज के विध्वंसक बल्लेबाज क्रिस गेल के बारे में T20 फॉर्मेट को लेकर जितने भी कसीदे पढ़े जाएं, सब कम पड़ेंगे। इस तूफानी कैरेबियाई बल्लेबाज ने 2012 में अपना जबरदस्त रूप दिखाया था। इस सीजन में उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए आरसीबी के लिए पूरे सीजन में 773 रन बनाए थे। वो अपने इस प्रदर्शन के चलते ही ऑरेंज कैप को अपने सिर पर रखने में सफल रहे। इसके बाद नंबर आता है आईपीएल 2011 का, और 2011 में ऑरेंज कैप जीता था क्रिस गेल ने 608 रनों के साथ। T20 क्रिकेट के यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का कोई जवाब नहीं रहा है। पूरे विश्व क्रिकेट में इस फॉर्मेट के बेताज बादशाह बने क्रिस गेल ने आईपीएल के शुरुआती कुछ सीजन तो खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन 2011 से उनका रौद्र रूप देखने को मिला था। उन्होंने इस सीजन में आरसीबी के लिए खेलते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी की और पूरे सीजन 608 रन बनाकर ऑरेंज कैप को अपने नाम करने में सफल रहे। इसके बाद है आईपीएल 2010, और जिसमें सचिन तेंदुलकर 618 रन के साथ बने ऑरेंज कैप होल्डर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी जबरदस्त दम देखने को मिला। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में 2013 तक अपना कमाल दिखाया, जिसमें वो 2010 के सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने इस सत्र में 618 रन बनाकर ऑरेंज कैप को अपने सिर पर सजाया था। इसके बाद नंबर आता है आईपीएल 2009 का, जिसमें मैथ्यू हेडन ने ये अवार्ड अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन की कातिलाना बल्लेबाजी से हर कोई वाकिफ है। इस बल्लेबाज ने अपने पूरे करियर के दौरान गेंदबाजों को खूब पीटा है, जिसमें आईपीएल में भी उनका ये विकराल रूप देखा गया है। दूसरे ही सीजन में हेडन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 572 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था। इसके बाद नंबर आता है आईपीएल 2008, जिसमें शॉन मार्श ने 616 रन बनाकर इस कैप को अपने नाम किया था। लीग के पहले ही सीजन में बड़े बड़े विश्व स्तरीय बल्लेबाज खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अनजान खिलाड़ी शॉन मार्श ने अपनी बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस कंगारू बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए दमदार बल्लेबाजी के दम पर पहले सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया था। उन्होंने इस सत्र में 616 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाया था। तो दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में सीजन वाइज 2022 से 2008 के पहले सीजन तक के ऑरेंज कैप होल्डर्स को बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, हम आपको एक बार फिर से इसी तरह की वीडियो के साथ लेकर आएंगे।